नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है विष्णु चक्र। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। राक्षसों के राजा नरकाल के जीवन का एक ही उद्देश्य है, मानव पर विजय पाना। पृथ्वी सुखों का भंडार है। अगर संपूर्ण पृथ्वी पर मेरा शासन हो जाए तो सुखों का भंडार हम राक्षसों की झोली में आ गिरेगा, जिनके भाग्य में विधाता ने नरक लिख दिया है। और पृथ्वी पर अधिकार तभी होगा जब मानव पर अधिकार हो जाए, और मानव पर अधिकार तभी होगा जब उन्हें अपना गुलाम बना लिया जाए। और मानो मेरे गुलाम तभी बनेंगे जब सारी धन संपत्ति का वितरण मेरे हाथों तो आ जाए, और ऐसा तभी होगा जब धन की देवी लक्ष्मी मेरी गुलाम बन जाए। और धन की देवी मेरी गुलाम तब बनेगी जब मैं उसे पकड़कर अपने कैद में रखूंगा, और उसे मैं कैद में तभी रख सकता हूं जब मैं शेषनाग पर निवास करते स्वयं को पृथ्वीवासियों का भगवान कहने वाले उस अहंकारी विष्णु का काम तमाम करूंगा, और उससे छीन लूंगा उसके शंख चक्र और गद्दा, और बन जाऊंगा पृथ्वीवासियों का भगवान। और मैं उस अहंकारी का सिर कुचलकर उसका काम तमाम तभी कर पाऊंगा जब अबे बोलो जब अबे बोलो अबे बोलो जब जब हम सभी राक्षस मिलकर विष्णु पर आक्रमण कर देंगे। वाह, ये हुई ना कोई बात। और इस काम के लिए मैंने गद्दा देव गदारी से प्राप्त की है ये विलक्षण गद्दा मदारी। इस गद्दा में ये विशेषता है कि ये वर्णमाला के व या वी से आरंभ होने वाले नाम के प्राणी का अंत अपने धारक की इच्छा पर करके ही रहती है, और कोई भी चमत्कारी या दिव्य शक्ति उसे बचा नहीं सकती। नरकाल शीघ्र ही अपने वांछित स्थान पर पहुंचा। अरे ये क्या, क्यों रे शेषनाग, कहाँ गए तेरे स्वामी विष्णु और स्वामिनी लक्ष्मी? मेरे भय से भाग गए? अपनी शक्ति का अधिक दम मत भर दुष्ट नरकाल, भगवान तेरे भय से भागे नहीं वरन पृथ्वी पर भ्रमण हेतु गए हैं। जबकि वास्तविकता तो वही है जो ये दुष्ट राक्षस नरकाल कह रहा है, क्योंकि इसके पास जो गद्दा है उसकी तीनों लोकों में कोई काट नहीं। किंतु उन्होंने मुझे इसे जैसा कहने को कहा मैंने कह दिया। पृथ्वी भ्रमण पर? ओह, तब फिर यहां रुकने का कोई अर्थ नहीं। क्योंकि पृथ्वी पर मेरे तीन शक्तिशाली दूत रहते हैं, वो उसकी नाक में इतना दम कर देंगे कि उसे पृथ्वी को छोड़कर शीघ्र ही वापस लौटना होगा। तब मैं उसका वध करके लक्ष्मी को अपनी गुलाम बनाऊंगा। इधर विशालगढ़ में बांकेलाल को हो गई थी खांसी। खांसी, राजवैद्य ने खांसी का उपचार बताया है फांसी नाम की जड़ी बूटी जो मुझे मिलेगी विशालगढ़ के घने वन में। घने वन में नदी के किनारे। खांसी मोटे मुच्छर मनुष्य राजा विक्रम सिंह को हुई होती तो मैं उसके गले में ही फांसी लगाकर उसकी खांसी ठीक कर देता, मगर कमबख्त खांसी मुझे हुई है, जड़ी बूटी तो मुझे ढूंढनी ही पड़ेगी। कुत्ता खांसी मिल गई। यही है फांसी नाम की जड़ी बूटी, इसकी शक्ल फांसी के फंदे की तरह होती है। इसे मछली से जूठा करवाकर चबाने से खांसी तुरंत दूर हो जाती है। मैंने जड़ी बूटी फांसी को मछली पकड़ने के कांटे में अटकाकर कांटा पानी में डाल दिया है। जैसे ही मछली इसे जूठा करेगी मैं कांटे को ऊपर खींच फांसी को खा लूंगा। 101 101 101। उस स्वर को सुनकर बाकेलाल अपनी उत्सुकता ना रोक सका। कांटे
कांटा मैंने एक झाड़ी से बांध दिया है, क्योंकि पहले मैं देखना चाहता हूं कि ये 101 101 कौन बड़बड़ा रहा है। खांसी को दबा कर रख बाके। भयानक दृश्य बाकेलाल की आंखों के सामने था। कान की मैल, खप्पर की खपड़ैल, तिल से निकले तेल, मैं हूं चुड़ैल, सुन री सहेली, नाम मेरी सड़ेली। और मेरा करेली। प्रसन्न होकर मुन की आहुति स्वीकार कर महान शस्त्रार्थ देव, प्रसन्न होकर हम दोनों चुड़ैल बहनों की इच्छा पूर्ण कर दे शस्त्रार्थ देव। मैं चुड़ैलों का देवता चुड़चुड़ा तुम पर अति प्रसन्न हूं दोनों बहनों। अपनी इच्छा बताओ। दरअसल बात यह है कि हम दोनों बहनें चुड़ैल योनि से छुटकारा पाकर राक्षस योनि में जाना चाहती हैं, और राक्षसराज नरकाल से विवाह करना चाहती हैं। वो चुड़ैलों से विवाह नहीं करेगा। हमें समस्या के उपाय बताने वाले उपाय देवता ने ही ये उपाय बताया है कि इस योनि से छुटकारा पाने के लिए हमें 101 राजाओं का वध करना होगा, और वो भी अलग-अलग शस्त्रार्थों से। हमें 101 प्रकार के शस्त्रार्थ प्रदान करें हे शस्त्रार्थ देवता चुड़चुड़ा। मूर्ख, दोनों बहनों, 101 प्रकार के शस्त्र होते भी हैं। मैं तो कुछ शस्त्रों के विषय में ही जानता हूं, और वही तुम्हें दे सकता हूं। जैसे तलवार, जैसे गदा, जैसे धनुष बाण, जैसे गणासा, जैसे कुल्हाड़ी, जैसे भाला, जैसे चक्र, जैसे खंजर, और खुखरी, और नुकीली कांटों वाला घुमाने वाला लोहे का गोला। और शस्त्र तो लाख सोचने पर भी मेरे दिमाग में नहीं आ रहे हैं। मगर ये तो कुल 10 ही हुए हैं। 91 और चाहिए, और कहाँ से लाऊं? कहीं पर डाका डालूं क्या? क्रोध ना करें राम, मैं बताती हूं। हे चुड़चुड़ा देवता, जिस प्रकार इंसान तो एक होता है, मगर उसके जैसे हजारों लाखों दूसरे भी लोग होते हैं जो इंसान ही कहलाते हैं, किंतु उनके नाम एवं शक्लें अलग अलग होने से उनकी संख्या लाखों करोड़ तक पहुंच जाती है। उसी प्रकार हम शस्त्रों में थोड़ी बहुत फेर बदल करके और उनका नाम बदल कर 101 शस्त्र पैदा कर सकते हैं। भला वो कैसे? अब लो, तलवार के ही कई नाम और हो सकते हैं, जैसे तल्लू, तलवारी, तलवी, तलवारा, तेल की धार। ऐसे ही गद्दा के कई नाम हो सकते हैं, जैसे गधा, गधेड़ी, गद्दा, गुदरी, लुगदी, गदालू, गंदी, गंदगी। और सुनो, गणासा के नाम सुनो, गणेरी, गणासी, गुंडा, गुंडी। बस बस पुत्री, मैं समझ गया। इन शस्त्रों के नामों की तरह इनमें थोड़ी बहुत फेर बदल करके मैं अभी तुम्हें 101 शस्त्र पैदा करता हूं। चुड़चुड़ा देवता ने प्रकट कर दिए 101 प्रकार के शस्त्र। अगाड़ा ना पिछाड़ा, कांट का कवाड़ा, चल प्रकट हो शस्त्र। लल्लू और ये पंजू, ये हो गए पूरे 101 शस्त्र। अरे वाह, देवता तो मैं अब बना हूं। ऐसा लग रहा है कि पहले मैं केवल घसियारा ही था, अब तो मैं घसियारा नाम का भी कोई शस्त्र बना सकता हूं। अच्छा दोनों बहनों, होन अप्पा चलते हैं, किंतु ध्यान रहे ये दिव्यास्त्र हैं। तुम किसी भी राजा का नाम लेकर इसे यहीं खड़े खड़े चला सकती हो, किंतु ये भी ध्यान रहे कि जब तक एक राजा मर नहीं जाता, दूसरे राजा पर शस्त्र नहीं छोड़ा जा सकेगा। ये भी ध्यान रहे कि ये शस्त्र केवल एक बार ही चलेंगे और फिर गायब हो जाएंगे मेरी तरह। 101 प्रकार के दिव्यास्त्र। बाकेलाल दोनों चुड़ैल बहनों सड़ेली और करेली की बातें बड़े ही ध्यान पूर्वक सुन रहा था। अब हम इन शस्त्रों से हमें 101 राजाओं के वध करने होंगे, किंतु हमें पृथ्वी के राजाओं के विषय में तो कुछ पता ही नहीं है। हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? और अगर ढूंढेंगे तो ऐसे तो बहुत समय व्यर्थ हो जाएगा। अगर कोई राजाओं का जानकार मिल जाता तो ये कार्य आसान हो जाता। तो समझो कार्य आसान हो गया।
बहन सहेली, मुझे तो ये कहीं का राजा लग रहा है। तुम आदेश दो, पहला वध मैं इसका ही कर दूं। नहीं, ठहरो, भाला मत चलाना, अन्यथा पछताना पड़ेगा। ठहरो करेली, भाला मत चलाना। इसने राजसी एवं बहुमूल्य वस्त्र अवश्य पहन रखे हैं। इसके चेहरे पर राजाओं वाला तेज अवश्य है, किंतु अगर ये राजा होता तो छुपकर अपनी जान बचाता। यूं इस प्रकार अपने प्राण संकट में डालने हमारे सामने ना खड़ा होता। अब अति शीघ्र बताओ कि तुम कौन हो, हमारी मदद करने में तुम्हारा क्या स्वार्थ है? मेरा नाम बाकेलाल है, मैं विशालगढ़ के राजा का विशेष सलाहकार हूँ। मैंने छिपकर तुम्हारी बातें सुनी है। मैं तुम्हें बता सकता हूँ 101 राजाओं के नाम, ताकि तुम उनका वध कर सको। इस प्रकार इनमें से एक मेरा शत्रु भी समाप्त हो जाएगा। यही मेरा स्वार्थ है। अब तुम पहला वध करने के लिए उठा लो शस्त्र, नाम मैं बताता हूँ। अगर ये बात है तो हम तुम्हें हीरे मोती देकर माला माल कर देंगे। बांकेलाल, अब विलंब मत करो, जल्दी से बताओ पहला नाम। ला, भाला मुझे दे करेली, पहला शस्त्र मैं चलाऊंगी। मुच्छड़ मनहूस मोटे, अब तेरा अंतिम समय आ गया। मगर शस्त्र चलाने से पहले वध मंत्र भी तो पढ़ना होगा। हाँ, मगर पहले नाम तो पता चले। बाकेलाल ने नाम बताने के लिए मुंह खोला। विशालगढ़ के राजा का नाम है मनहूस। नाम पता चल गया, प्रथम राजा का नाम पता चल गया, उसका नाम है राजा मनहूस। तो फिर जल्दी से वध मंत्र पढ़ और शस्त्र फेंक। अच्छा, मैं मंत्र पढ़ती हूँ। काट के कटोरे, खाले छोले भटूरे, भैंस की आंख ठिकानी, उसकी मरी नहीं थी नानी, हुई बहुत थी पीड़ा, सड़ेले बैगन में निकला कीड़ा। गाय खाए घास फूस, उसका नाम है मनहूस, उसने पहने वस्त्र, ये चला मौत का शस्त्र। साय। नहीं, उफ, रुको। उसी समय राजा विक्रम सिंह वन के दूसरे छोर में थे, जब ऋषि तुक्काचार्य ने मुझे बताया कि अगर कोई वन का चक्कर लगाकर एक जोरदार खांसी बाके के मुंह पर करे तो उसकी खांसी दूर हो सकती है, तो मैं खुद को रोके ना रख सका और चला या वन की परिक्रमा करने। महाराज, मेरी माने तो वापस चले, बाकेलाल स्वयं ही जड़ी बूटी ढूंढ लेगा, फिर वन का क्या भरोसा कि कहां पर शेर मिल जाए। किसी समस्या को हमें सभी उपायों से हल करने की चेष्टा करनी चाहिए सेनापति, क्या मालूम कौन सा उपाय कारगर सिद्ध हो जाए। अब मैं परिक्रमा आरंभ कर ही चुका हूं, तो फिर इसे पूरी होने देना चाहिए। सिर्फ एक जोरदार खांसी ही तो बाकेलाल के मुंह पर मारनी है। पूरे विशालगढ़ में मुझसे अधिक जोरदार खांसी उसके मुंह पर और भला कौन मार सकता है। बचाओ, कोई है। सेनापति, रथ रोको, कोई स्त्री किसी संकट में है। वन में चुड़ैल भी होती है महाराज, जो ऐसे ही भ्रमित करती है। रथ रोक दिया गया। अब वो कोई मानवी हो या फिर चुड़ैल ही क्यों ना हो, मदद की गुहार सुनकर मैं उसकी मदद किए बिना नहीं रह सकता। और फिर अगर मुझ पर कोई संकट आया तो मेरी मदद के लिए तुम हो ही सेनापति। अब तुम दोनों मेरे हाथों से नहीं बच सकते। बोलो, गदा से मारूं, भाले से मारूं, कटीली गदा से मारूं या गड़ा से मारूं। दोस्त, अपनी खैर मना, भाग जा, वरना तेरी खैर नहीं। कड़ाक। तेरे हाथ में तो सोने की तलवार है, तू मुझे सोने की तलवार से मारेगा क्या? ये देख, मेरी तलवार से टकराकर तेरी तलवार का क्या हाल हो गया। इसके आगमन के साथ वातावरण में कैसी मनहूसियत फैल गई है। अब गदा मारकर मैं तुम दोनों की खोपड़ियां तोड़ देता हूं। मेरा नाम राक्षस मनहूस है, मेरा शत्रु जीवित नहीं बच सकता। वो दुष्ट राक्षस उन पर गदा का प्रहार करने जा रहा है। इससे पहले कि वो ऐसा करे, मैं ये भाला उसके सीने में पेवस्त कर दूंगा।
साय खचाक खचाक आ आ वो। मेरी मृत्यु एक साथ दो भाले लगने से ही होनी थी। अरे ये भाले किसने चलाए? मैं खुद भी आश्चर्य में हूं सुनारी। राक्षस के मरते ही सभी मनुष्य प्राणी भी वहां से भाग गए थे। एक भाला तो मैंने चलाया है, किंतु दूसरा किसने चलाया ये मुझे भी नहीं मालूम। आप कौन है? मेरा नाम राजा विक्रम सिंह है। और आप कौन है? मैं स्वर्ण नगरी का राजा स्वर्ण सिंह हूँ, और ये मेरी रानी सुनारी। हम दोनों समुद्र तल स्थित स्वर्ण नगरी में वास करते हैं। महारानी पृथ्वी की सैर करना चाहती थी, इसलिए मैं उसे लेकर यहाँ आया था, किंतु ये दुष्ट राक्षस हमारे पीछे पड़ गया। अगर आप समय पर ना आते तो ना जाने कैसा अनर्थ हो जाता। समय पर तो वो दूसरा भाला आया, क्योंकि अगर वो भाला राक्षस को ना लगता तो ये कभी नहीं मरता। मरते मरते स्वयं राक्षस मनुष्य ने ऐसा कहा था। मेरे भाई को मारकर तुम्हारे सिर पर मंडराता संकट टला नहीं है शैतानो। ओ एक और शैतान, उसी समय दूसरी ओर। भाला किसी के शरीर में धंसने से उत्पन्न हुई खचाक की आवाज तो गूंजी है, किंतु चीख की आवाज तो गूंजी नहीं। ओह, इसका मतलब दिव्य भाला किसी राजा के नहीं, बल्कि किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को लगा है। तूने तो कहा था कि मनुष्य एक राजा है, फिर राजा की चीख क्यों नहीं गूंजी? मनुष्य उसी का नाम है, किंतु उफ। बाकेलाल, जल्दी से विशालगढ़ के राजा का नाम बता, वरना तेरा सिर तलवार मारकर उड़ा दूंगी। बताता हूं, विशालगढ़ के राजा का नाम, हाँ, अगर वो बच गया है तो इससे अधिक बुरा समाचार मेरे लिए दूसरा नहीं हो सकता। उसका नाम है मुच्छर। उफ, ये खांसी तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। तो फिर उसका नाम है मुच्छर। राजा मुच्छड़ इस बार मेरे हाथ में थमी तलवार से नहीं बचेगा। तो फिर बोल वध मंत्र। काला काला जूड़ा, जूड़े में काली जू, काला काला घोड़ा, घोड़े ने मारी पू, राक्षस की खोपड़ी, खोपड़ी पर मारी छड़, जिसे तलवार है लगनी उसका नाम है मुच्छड़। इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट टू में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना, और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, ताकि उसमें मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय।